हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ये एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था 1 से लेके 13 तक, और प्लस 3.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट सेकंड नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्ट फर्स्ट आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट को तो देखिए, उसके बाद पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड को फिर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो दर्शाइए कि 5, 6, -1, 7, 3, 2, 2, 3, 1, 4 नॉट इक्वल टू 2, 3, 1, 4, 5, 6, -1, 7, ठीक है। तो देखिए 5, 6, -1, 7 इंटू 2, 3, 1, 4 इट इज नॉट इक्वल टू 2, 3, 1, 4 इंटू 5, 6, -1, 7। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब कि हमें दिखाना है कि ए बी, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एल एच एस ले लेते हैं। तो एल एच एस इक्वल टू 5, 6, -1, 7 इंटू 2, 3, 1 एंड 4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये मल्टीप्लीकेशंस का रूल होगा कि फर्स्ट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 2 = 10 और 3 × 1 = 3, ठीक ना। 5 × 1 = 5 और 4 × 1 = 4 माइनस का। 6 × 2 = 12 और 7 × 21, 6 × 1 = 6 और 7 × 4 = 28। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 7 + 1 21 और 12 ये हो गया 33 और 28 और 6 ये हो गया आपका 34। ये मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे अगर हम बात करेंगे आरएचएस, तो आरएचएस मैट्रिक्स हमारा 2, 1, 3, 4 इंटू इसकी मल्टीप्लाई है 5, 6, -1 एंड 7 की। जस्ट इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे, तो यहां पे अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 = 10 और 6 × 6 + 2 = 2 और 7 × 1 = 7 1 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 और 6 की 4 = 24 से मल्टीप्लाई, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। तो 6 × 6 = 24, 3 × 1 = 3 और 7 × 6 = 28। इसको अगर देखेंगे तो यहां पे आएगा ये 16, 7 में से 2 = 2 + 5 = 24 और 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 39 और 28 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 25। अगर इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स के दोनों की कंपेयर करते हैं तो देखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 16 है, 1, 5, 33, 39 और यहाँ पे 34 और ये 25 है। तो लिख सकते हैं कि एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना था, यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना था, बस आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर 3rd और 4th का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है 3 × 3 का मैट्रिक्स दे रखा है, ये भी 3 का 3, ये भी 3, ये 3, 3 × 3 का मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें भी हमें दिखाना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अगर इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, इट इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक। तो देखिए
ये देखो मैट्रिक्स, ठीक, ए मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा बी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये बी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब हमें ए बी नॉट इक्वल टू दिखाना है बी ए, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एल एच एस ले लेते हैं, ले लेंगे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। देखिए एल एच एस मैट्रिक्स में क्या है, 1 0 0 सॉरी 0 1 2 1 1 2 1 1 3 0 0, इसके मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स से -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 के साथ, ये एल एच एस है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी सेम, देखिए ये 3 × 3 का ऑर्डर है, इसका भी 3 × 3 है, ये और ये संख्या बराबर है, मतलब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, ये दोनों आपस में बराबर हो तो हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा, ये 3 और ये 3, ठीक है। तो फर्स्ट का कॉलम सॉरी रो, सेकंड का कॉलम, ये मैट्रिक्स बनेगा 3 × 3 का। मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम है, रो कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो मल्टीप्लाई करके आपस में सारे कंपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक। 1 × 1 = 1 2 × 1 = 2 माइनस का और 3 × 3 = 9 0 × 2 = 2 और 4 × 3 = 12 ठीक। ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कितना 0। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, क्लियर है। चलो 6 में से 1 गया 5, 9 10 10 में से 2 गया 8, 12 और 2 14 और 0 - 1 यहां बचेगा 1, -1 यहां पे 0 क्योंकि -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, ये हो गया हमारा a इंटू बी। ऐसी RHS निकालेंगे b इंटू a RHS। तो RHS में देखेंगे दो मैट्रिक्स दे रखा हमारे पास, -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 इंटू 1 0 1 2 1 1 3 0 0। ये अगेन यहां पे भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम की, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ऑफ सेकंड कॉलम, फर्स्ट ऑफ थर्ड कॉलम। तो 1 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 × 3 माइनस का 0, 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 0 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा 1, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 0 0 आ जाएगा। 3 × 2 = 2, 3 की 0 से 0 और 4 × 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1 से, 3 की 0 से, 4 की 1 से, ठीक। ऐसे 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस 4 का इस 1 से। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 का इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक। तो देखिए -1 -1 और -3, यहां -1 बचेगा, यहां -1 बचेगा, यहां पे -3, 1 ये जगह 0, ये जगह 0,
चार दो छः, चार चार आठ, और तीन ग्यारह, और छः हो जाएगा भैया। ठीक है, ये हमारा आरएचएस। अगर इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में तुलना करते हैं, देखिए माइनस एक तीन, ये पाँच आठ चौदह, ये आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू एलएचएस। तो लिखेंगे अतः एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस और आपस में बराबर, आरएचएस आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है। अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a बराबर दो दो एक जीरो एक माइनस एक तीन एक तीन जीरो है तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे i जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थ्री ऑर्डर का। किस ऑर्डर का? थ्री ऑर्डर का। तो इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक, तो इसके मान निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए, ए और ए के आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए टू टू वन जीरो वन माइनस वन वन थ्री जीरो इंटू अगेन टू टू वन जीरो वन माइनस वन वन थ्री जीरो। ठीक है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा, रो इनटू कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट टू थर्ड कॉलम, ऐसे सेकंड रो के साथ करेंगे, ऐसे थर्ड रो के साथ करेंगे। ठीक है, तो दो दूना चार जीरो वन एक कम एक, दो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो की वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और वन की माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, दो की वन से मल्टीप्लाई करेंगे दो एकम दो, जीरो की तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, एक की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। इज इट क्लियर? नो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दो दुना चार, दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, दो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, एक एक कम एक, और तीन एक कम तीन माइनस का तीन, ऐसे दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, तीन की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, एक की दो से मल्टीप्लाई करेंगे दो, माइनस एक की दो से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का दो, और जीरो की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, वन की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस वन इंटू वन माइनस का वन, जीरो इंटू माइनस वन जीरो, माइनस वन सॉरी वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, जीरो इंटू जीरो जीरो। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इनको आपस में जोड़ देंगे तो चार एक पांच, माइनस का एक, दो एक कम दो, चार दो छः और तीन नौ, और दो में से एक, तीन में से एक गया दो, और तीन और दो पांच, जीरो माइनस का एक, और तीन में से एक घटेगा तो माइनस का दो, ये जगह ए स्क्वायर है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है आई इक्वल टू, ये थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जी सॉरी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया फाइव नाइन जीरो माइनस का वन माइनस का टू माइनस का एक दो पाँच माइनस का दो, ये तो क्या ए स्क्वायर का वैल्यू, माइनस फाइव इंटू ए, ए का वैल्यू हो जाएगा टू टू वन जीरो वन माइनस वन वन थ्री जीरो, ये हो गया माइनस का फाइव आई, और माइनस प्लस का सिक्स आई, फाइव ए सॉरी माइनस का फाइव ए हो गया ये वैल्यू, और सिक्स आई, आई का वैल्यू है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है ना, माइनस फाइव के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और सबको आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पाँच नौ जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस का एक दो पाँच माइनस का दो प्लस माइनस पाँच के अंदर मल्टीप्लाई कर, पाँच दो ना दस माइनस का दस माइनस का
पांच, जीरो माइनस का पांच, माइनस माइनस का जगह प्लस, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का फाइव, माइनस का फिफ्टीन और जीरो, प्लस का सिक्स आई, सिक्स के अंदर मल्टीप्लाई है सिक्स, जीरो जीरो, जीरो सिक्स जीरो, जीरो जीरो सिक्स। अब इन आप इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पांच माइनस का दस और प्लस का छः, माइनस का एक, प्लस का जीरो और प्लस का जीरो, दो माइनस का पांच और प्लस का जीरो, नौ माइनस का दस प्लस का जीरो, माइनस का दो और माइनस का पांच और प्लस का छ, और पांच माइनस का पंद्रह और प्लस का जीरो, ये छह हैं, जीरो माइनस का पांच, ठीक, और यहां पे कितना जीरो है, प्लस का जीरो, माइनस का एक, प्लस का पांच और प्लस का जीरो, माइनस का दो, प्लस का जीरो और प्लस का छ, ये बन गया। इसको आपस में जोड़ दो तो पांच अच्छे ग्यारह, ग्यारह में से दस घटेगा तो कितना बचेगा, एक, माइनस का एक, पांच में से दो घटेगा तो माइनस का तीन, नौ में से दस घटेगा तो माइनस का एक, पांच और सात, सॉरी पांच और दो सात, सात में से छह घटेगा तो माइनस का एक, और पंद्रह में से दस घटेगा, पंद्रह में से पांच घटेगा तो माइनस का दस, माइनस का पांच, प्लस का चार, और छह में से दो घटेगा तो यहां पे भी चार आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई का वैल्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, हमने बस ओनली क्या करा, ए स्क्वायर निकाला, फिर फाइव ए प्लस सिक्स आई में इसका वैल्यू रख दिया, फाइव का यहाँ माइनस फाइव का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और सिक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि ए बराबर दिस मैट्रिक्स तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना है, सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो टू जीरो टू वन थ्री इंटू वन जीरो टू जीरो टू जीरो टू वन थ्री, ठीक है, इनके से मल्टीप्लाई होगी आपस में। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एक कम एक, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, दो दुना चार, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई, वन की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, वन इंटू टू टू, जीरो इंटू वन जीरो, टू इंटू थ्री सिक्स, जीरो इंटू वन जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, वन इंटू टू टू, जीरो इंटू जीरो जीरो, टू इंटू टू टू, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, टू इंटू वन टू, वन इंटू थ्री थ्री, टू इंटू वन टू, जीरो इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू टू सिक्स, टू इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, टू इंटू टू टू, टू जो फोर, टू इंटू जीरो सॉरी वन इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू थ्री नाइन। इज इट क्लियर, नो, वन प्लस फोर फाइव जीरो, सिक्स प्लस टू एट, टू टू इट इज इक्वल टू फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, सिक्स और टू एट जीरो, इट इज इक्वल टू थर्टीन। नो नेक्स्ट ए स्क्वायर, नाउ ए क्यूब, वी फाइंड आउट ए क्यूब, ए क्यूब निकालेंगे इसमें, तो ए क्यूब निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर की ए से, ए स्क्वायर की ए से, ठीक है, तो ए स्क्वायर फाइव टू एट जीरो टू जीरो एट फाइव एंड थर्टीन,
इट इज मल्टीप्लाई बाय ए। ए मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो 5 × 1 5, 0 × 0 0, 8 × 2 16, 5 × 0 0 0 × 2 0, 8 × 0 0, 5 × 2 10, 0 × 1 0, 8 × 3 8 × 3 24, 2 × 1 2 2 × 0 0, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, 5 × 2 10। ठीक है, बारी बारी से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड और सेकेंड कॉलम, सेकेंड और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 × 0 0, 2 × 4 2 × 2 4, 5 × 0 0, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 5 × 3 15। फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 8 × 1 8 1 8, 0 × 0 0, 13 + 13 × 2 26, 8 × 0 0 0 × 2 0, 13 × 0 0, 8 × 2 16, 0 × 1 0, 13 × 3 39। इसको ऐड कर देते हैं, देखो 5 + 16 21 0 34, इनको ऐड करेंगे तो 12 ये जाएगा 4, 15 + 6 21 34 ये जाएगा 0, और 40 + 15 45 55 कितना जाएगा 55। ये हो गया हमारा ए क्यूब। अब हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, वैल्यू में फाइंड आउट करना है। देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है, ये है ए क्यूब -6a² + 7a + 2i, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए क्यूब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ए क्यूब बराबर है हमारा 21 12 34 0 4 0 34 21 55 -6। ए स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू 5 2 8 0 2 0 8 5 and 13। ठीक, इसके बाद प्लस 7, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए हो गया हमारे पास दिस 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक ना, और प्लस 2i एंड वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इज इट क्लियर? नाउ अब यहां पे माइनस सिक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते थे, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करते थे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते थे, फिर सारे मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 21 12 34 0 4 0 34 21 55, ये मैट्रिक्स तो ऐसे रहेगा। -6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 8 × 6 = 48, 0 6 × 2 = 12 और 0, 8 × 6 = 48, 6 × 5 = 30 और 13 × 78, माइनस का 78। ठीक है, नाउ प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे, तो 7 × 7 + 0 7 × 14 0 14 0 14 7 and 21, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे प्लस, तो ये जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। क्लियर? यहां पे एक कंपोनेंट ये वाला गलत आ रहा है, 0 2 × 2 = 4, ठीक है ना, 0 की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा ये 4, अगर ये 4 होता है तो यहां पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो देखेंगे इस वाले रो की मल्टीप्लाई देखते हैं दोबारा, ठीक है ना। दो एक कम दो, जीरो चार की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, पाँच दूना दस सही हो गया, दो की जीरो से मल्टीप्लाई चार दूना आठ, तो यहाँ पे कितना जाएगा आठ, चार दूना आठ, पाँच एक कम सॉरी पाँच की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जाएगा, दो की दो से मल्टीप्लाई चार, चार एक कम चार और पाँच दिया पंद्रह, तो यह जाएगा आठ, ठीक। और पंद्रह और चार उन्नीस, उन्नीस और चार तेईस, यहाँ पे कितना आएगा तेईस आएगा, तो ये आठ और ये तेईस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एट और ये हो जाएगा ट्वेंटी थ्री, बस यहाँ पे लिखेंगे एट और ये जाएगा ट्वेंटी थ्री। अब सबको ऐड कर देते हैं, देखेंगे तो संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 21 माइनस का 30 सात और दो, 21 माइनस का 30 प्लस का सात और प्लस का दो, जीरो 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 जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, 34 माइनस का 48 प्लस का 14 और जीरो, ऐसे 12 12 जीरो जीरो, 12 माइनस का 12 प्लस का जीरो प्लस का जीरो, आठ माइनस का 12 प्लस का 14 और प्लस का 2, यहाँ पे 4 ए स्क्वायर 4 रहता नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ पे जाएगा 6 दुना 24, तो माइनस का कितना जाएगा ये 24 हो जाएगा 24, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये जाएगा तुम्हारा माइनस का 30 सॉरी 23 माइनस का 30 और प्लस का 7 और प्लस का 0, फिर 34 माइनस का 48, 34 माइनस का 48 14 और 0 प्लस का 14 प्लस का 0, 0 प्लस का 0 प्लस का 0 प्लस का 0, ठीक ना। 55 माइनस का 78 प्लस का 21 और प्लस का 2, इज इट क्लियर? नो। देखो यहां पे यह आ जाता है आपका 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 माइनस 30 कितना जाएगा 0 जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है, 34 और 14 हो जाएगा 48, 48 में से 48 गया 0, 12 में से 12 गया 0, ठीक ना। 8 और 2 10, 10 और 14 24, 24 में से 24 घटेगा तो 0, और यह 23 और 7 30, 30 में से 30 घटेगा तो 0, 34 और 14 48, 48 में से 48 गया 0, ये हो जाए 0, 55 56 57 58 58 10 58 और 20 78, 78 माइनस 78 कितना जाएगा 0 जाएगा, तो ये हमें एक 0 इंटू 0 का मैट्रिक्स बनेगा तो इक्वल टू 0। तो अतः हाँ, क्या मिलेगा हमें ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस यहाँ पे आपको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेट होके मल्टीप्लाई करना, अगर कहीं भी एक भी मिस्टेक हो जाता है तो इसका मतलब क्वेश्चन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रही कि यदि ए मैट्रिक्स तथा आई मैट्रिक्स ये दे रखा है एवं ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई, तो के ज्ञात कीजिए, K का वैल्यू हमें गेट करना है इस बार, इस वाले क्वेश्चन से हमें K का वैल्यू निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तीन चार माइनस दो माइनस दो, ठीक है ना, तीन चार माइनस दो एंड माइनस का दो, मल्टीप्लाई करेंगे तीन तिया नौ माइनस का चार दुना आठ, तीन तिया नौ सॉरी तीन दुना छः और प्लस का दो दुना चार, दो दुना चार प्लस का चार हो जाएगा, चातिया बारह दो चौक आठ, चार दुना आठ और दो दुना चार प्लस का हो जाएगा चार, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, नौ में से आठ गया तो बचेगा कितना एक, बारह में से आठ गया तो बचेगा कितना चार, चार में से माइनस का छः गया तो माइनस का दो और माइनस आठ प्लस का चार तो माइनस का चार हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे,
तो 1 4 माइनस 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू के इंटू ए 3 4 माइनस 2 माइनस का 2 माइनस का 2 आई 1001 है ना। के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का 2 प्लस 0 और माइनस का 2, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 1 4 माइनस 2 माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 2k माइनस का 2 4k प्लस का 0, ठीक है ना, माइनस का 2k प्लस का 0 और माइनस का 2k माइनस का 2, ठीक है ना। तुलना कर देंगे क्योंकि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ये भी है और 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ये भी है, मैट्रिक्स का कोटी बराबर है तो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकते हैं। जब इसके तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4k, कोई भी एक एलिमेंट की तुलना कर देते हैं इसका लिख देते हैं 4k प्लस 0 तो 4k, 4k इक्वल टू कितना जाएगा 4, तो यहां से k इक्वल टू मारा जाएगा 1, तो k बराबर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, सिंपल है एग्जैक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मिस मत करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, कह रहे कि यदि ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 माइनस 10 5 बाई 2 और 10 5 सॉरी अल्फा अल्फा बाई 2 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इक्वल टू ए माइनस आई कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा साइन माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद आरएचएस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एलएचएस में अगर देखेंगे तो एलएचएस हमारे पास है आई प्लस ए, आई प्लस ए देखिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू ऑर्डर का तो 1001 प्लस ए 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 0 प्लस 1 1 0 माइनस 10 अल्फा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 1 1, तो ये तो जो हमारा क्या एल एच एस। अच्छा अगेन अब आर एच एस को सॉल्व करेंगे तो आर एच एस इक्वल टू जो आई माइनस ए, आई माइनस ए और मैट्रिक्स दे रखा है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है आई माइनस ए तो आई 1001 माइनस ये हो जाएगा आपका ए, ए हो जाएगा हमारा 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 ये जो है 10 अल्फा बाई 2 और 0 ए मैट्रिक्स और इनकी टोटल मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ, इज इट क्लियर नो। अब यहां पे हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको माइनस कर देंगे तो 1 में से 0 माइनस होगा तो 1, 0 में से माइनस का 10 अल्फा बाई 2 माइनस होगा तो माइनस और माइनस का जाएगा आपका प्लस, तो 10 अल्फा बाई 2 0 माइनस माइनस का 10 अल्फा बाई 2 क्योंकि 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा यह जगह आपका साइन अल्फा और ये जगह कॉस अल्फा, क्लियर नो। अब इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना आपको आता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू कॉस अल्फा तो जगह आपका कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, 1 के माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाय 2, इसके कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है ना, और प्लस साइन अल्फा, इसका साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जगह प्लस तो साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2
प्लस वन की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा। ठीक है, क्लियर। हमने क्या कर दिया यहां पे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जस्ट यहां पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे किसको, टेन को, किसमें, कॉस और साइन में। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस, सॉरी टेन बराबर क्या होता है, साइन एन बटे कॉस। तो ये साइन अल्फा बटे टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बटे टू इंटू साइन अल्फा। क्लियर। अच्छा, इसको माइनस टेन को लिखेंगे साइन अल्फा बटे दो बटे कॉस अल्फा बटे दो इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है ना, प्लस साइन अल्फा। अगेन यहां पे भी तोड़ेंगे तो माइनस का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे दो बटे, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बटे दो। अगेन यहां पे भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे तो साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, सॉरी इसको लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। ये आएगा हमारे पास, क्लियर। तो देखो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में वन ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसके डिवाइड में वन ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसके डिवाइड में वन लेके एलसीएम लेंगे, इसके डिवाइड में वन लेके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे क्या है, कॉस अल्फा, इसमें भी कॉस अल्फा, इसमें भी कॉस अल्फा, इसमें भी कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा चारों में क्या होगा, कॉमन होगा। कॉस अल्फा का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे कॉस अल्फा का साइन से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे कॉस अल्फा का साइन से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे कॉस का किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जस्ट यहां पे इक्वेशन बनेगा हमारा, ठीक। देखिए कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस, सॉरी साइन, यहां पे क्या बचेगा, प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, पूरे के डिवाइड में जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। यहां पे भी सेम कॉस का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस ये जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, पूरे के होल डिवाइड में कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगेन यहां पे भी हम करेंगे सेम प्रोसेस, कॉस का तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में वन ले लिया हमने, तो ये माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय क्या जाएगा हमारा, कॉस अल्फा बाय टू, कॉस अल्फा बाय टू। यहां पे भी सेम प्रोसेस, वन ले लिया डिवाइड में, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू, ये बचेगा। इज इट क्लियर। हमने क्या कर दिया, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। अब यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे दो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और आपने फॉर्मूला पढ़ा कॉस एक्स प्लस वाई का, तो कॉस एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई का, ठीक ना, तो फॉर्मूला था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला के यूज करेंगे तो इस फॉर्मेट में दे रखा है हमारे पास ये टर्म्स, ये चारों टर्म्स जो है इन दोनों फॉर्मूले के फॉर्म में दे रखा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई लिखेंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, ये जो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ये साइन अल्फा हुआ, सॉरी यहां पे देख लेंगे साइन अल्फा है, ठीक है, साइन अल्फा हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला जो कॉस एक्स माइनस वाई का, तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बाय कॉस अल्फा बाय टू, तो ऐसे ही रहेगा ये डिवाइड में। यहां पे सेम माइनस का टर्म्स ये देखिए, सॉरी माइनस हो गया, क्यों गलती कर रहा हूं मैं आज,
ये माइनस का होगा, तो जो वाला टर्म्स माइनस का है उसमें वाई होता है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस वाले टर्म्स में, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना अल्फा है और एक्स का वैल्यू अल्फा बाई टू है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। अगेन यहाँ पे सेम फॉर्मूला जाएगा, ये प्लस वाला टर्म्स है तो ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये वाई का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे यह साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू इंटू, यहाँ पे देखेंगे सेम सिमिलरली कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू और प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू का फॉर्मूला हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। क्लियर, तो यहाँ पे जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो ये जाएगा कॉस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू इंटू, ये जो साइन माइनस का अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, तो ये जो साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू, ये जो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, तो ये जो कॉस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू, क्योंकि एक में से आधे को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना, तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो क्या वन, यहाँ बचेगा वन, साइन बाय कॉस क्या जाएगा टेन, तो जाएगा टेन अल्फा बाय टू, और ये जब हमें फॉर्मूला पता है साइन माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, ठीक ना, और साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, तो जाएगा टेन अल्फा बाय टू बराबर क्या जाएगा हमारा आर एच एस, दिखा देता हूँ मैं आपको आर एच एस क्या था, ये वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और वन, तो वन माइनस टेन अल्फा बाई टू अल्फा, टेन अल्फा बाई टू वन इक्वल टू कितना जाएगा एल एच एस हो जाएगा, ये आर एच एस नहीं एल एच एस, इज इट क्लियर, इति सिद्धम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल नहीं मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी संघ व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिससे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है, प्रथम ब्रांड में 5% वार्षिक और द्वितीय ब्रांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, आव्यूहगुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए और सेकेंड कंडीशन में 2,000 रुपए प्राप्त हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले मान लेते हैं कुल जो राशि है वो कितना है, कुल राशि जो है 30,000 रुपए है, कितना है 30,000 रुपए है, हम मान लेते हैं इसको प्रथम ब्रांड में, फर्स्ट ब्रांड में निवेश की गई राशि कितना है x, तो दूसरे ब्रांड में कितना निवेश किया गया होगा, दूसरे ब्रांड में निवेश की गई राशि 30,000 माइनस x, मतलब मान लेते हैं अगर फर्स्ट ब्रांड में अगर 10,000 निवेश किया है तो सेकंड में कितना 20,000 करेगा, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20,000 बचेगा, ठीक है ना, तो पहले ब्रांड में उसने x रुपए निवेश किया है तो दूसरे ब्रांड में वो 30,000 माइनस x रुपए निवेश करेगा, ठीक है, तो निवेश की गई राशि का, निवेश की गई राशि का आव्यूह, देखिए यहां पे जब आव्यूह बनाएंगे ए आव्यूह बनाते हैं, निवेश की गई राशि होगा ए आव्यूह बनेगा एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ठीक है ना, एक रो मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसा मैट्रिक्स बनाएंगे, रो मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना, और ब्याज, ब्याज कितना मिल रहा है फर्स्ट ब्रांड में 5% तथा सेकंड ब्रांड में 7%, ठीक ना, फर्स्ट में जो है आपका 5% मिल रहा है, सेकंड ब्रांड में आपका 7% मिल रहा है, तो ब्याज का अभी बनाएंगे ब्याज का जो अभी होगा इसको मान लेते हैं बी, इट इज 5% एंड 7%, यहां पे कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, याद रखना आपको
एक आपको रो मैट्रिक्स बनाना है और एक आपको कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रो एंड कॉलम बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। रो एंड कॉलम आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में दे रखा कुल बैच, कुल बैच फर्स्ट कंडीशन में टोटल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 1800 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है 1800 रुपए, ठीक है। तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी इक्वल टू कितना जाएगा 1800 रुपए, क्योंकि इसका इतना परसेंट बैच टोटल मिला के कितना जाएगा 1800 रुपए। तो ए एक्स और 30,000 माइनस एक्स इंटू बी 5% और 7% इक्वल टू कितना 1800 रुपए। तो देखेंगे एक्स का 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स का 7%, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना, x इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। का मतलब यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई है, बराबर कितना 1800 रुपए। तो x इंटू 5/100 प्लस ये जो 30,000 माइनस x इंटू 7/100, परसेंटेज निकालने के लिए मूलधन की बैच से गुणा करके हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालने के लिए मूलधन की बैच से गुणा करके हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू कितना जाएगा 1800। तो 100 तो कॉमन है, एलसीएम कॉमन हो जाएगा, तो एक्स ये भी 1/1 का मैट्रिक्स है, हाँ किसका है 1/1 का मैट्रिक्स है। तो 5x प्लस 7 21, तो 21,000 हो जाएगा, और माइनस का 7x इक्वल टू 1800 की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 2, तो माइनस का 2x प्लस का 21,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 21,000 बराबर ये जो 210,000 बनेगा, क्योंकि 7 21 40 बनेगा ना 210,000। 1800 इंटू 100 करेंगे तो 20 और आ जाएगा इसमें, क्लियर। तो ये माइनस का 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 21, ठीक है। 18 में 21 में से 18 घटा देंगे तो मुझे माइनस का 3, तो 30,000 माइनस का 2x। तो देखेंगे यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल हो तो x इक्वल टू कितना जाएगा 15,000, मतलब फर्स्ट ब्रांड में वो 15,000 इन्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट ब्रांड में 15,000 इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और सेकंड ब्रांड में भी वो कितना इन्वेस्ट करेंगे 15,000, 50-50% वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में भी 15,000 और सेकंड में भी 15,000 ब्रांड में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो जस्ट इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, बस यहां पे आपको क्या करना है कि 1800 की जगह 2000 रखना है, 1800 की जगह यहाँ पे 2000 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 लाख में से 2,10,000 घटेगा, तो 10,000, तो x का वैल्यू कितना जाएगा 10 आ जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ब्रांड में वो 5,000 इन्वेस्ट करेगा और सेकंड ब्रांड में वो 25,000 इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन वो आप करेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखिए कह रहे कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कुल कितनी, मतलब कुल कितना कमाएगा वो, ठीक है ना, ये बताना है। तो 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की है और 10 दर्जन जो है अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। सबसे पहले पुस्तकों का आव्यूह बनाएंगे, पुस्तकों का आव्यूह रो मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए रो मैट्रिक्स बनेगा तो यहां पे जाएगा 10 दर्जन रसायन की पुस्तकें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की है और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। इसका मूल्य है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का आव्यूह बनाएंगे,
देखिए इसका जो आईवी होगा वो होगा एक कॉलम मैट्रिक्स। याद रखना जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं एक रो मैट्रिक्स बनाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो सेकेंड इज कॉलम, इसका रेट दे रखा 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। तो कुल धनराशि, कुल प्राप्त धनराशि, तो कुल प्राप्त धनराशि निकालने के लिए दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10, 8, 10 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, 60 और 40। क्लियर। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे इसका ऑर्डर है 1 × 3 है, 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 3 × 1, 3 रो है, 1 कॉलम है, 3 3 बराबर है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में तो हमेशा 1 × 1 का मैट्रिक्स बचना चाहिए। तो 10 × 80 प्लस 8 × 60 प्लस 10 × 40 दीजिए 800 प्लस 648 और प्लस 4 × 10 = 40 मतलब 400। देखिए 4 × 4 = 8, 8 × 8 = 16, 1680 रुपए, ठीक है ना। कुल कॉस्ट कितना है 1680, तो 1680 रुपए जो है वो इनको बेच के कमा सकता है, ठीक है। तो टोटल ये हमारा क्वेश्चन रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ करते हैं इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक्स जो है वो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रम से इस ऑर्डर की कोटियां है, तो नीचे दी गई संख्याओं का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे इनका आंसर देने के लिए देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, तो सिंपल सा फंडा यूज करेंगे। देखिए एक्स जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 × n का, वाई जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 × k का, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × p का, और W का ऑर्डर है n × 3 का, और P का जो ऑर्डर है यह p × k का, ठीक। अब यहां पे आते हैं, देखिए कह रहे कि py प्लस WY से परिभाषित होने के लिए n, k और p पर क्या प्रतिबंध होगा। तो सबसे पहले अगर P और K के आपस में P और Y के अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रो और इसका कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर होने, P बाई ना, तो P का कॉलम मतलब P × K, ठीक है ना, और 3 × K, इसका ऑर्डर क्या है 3 × K, तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, मतलब यहां से आता है K = 3 होना चाहिए, ठीक। दूसरा है W × Y, तो W का ऑर्डर है n × 3 और Y का ऑर्डर है 3 × k, तो यहां से 3 3 बराबर है, तो इसका मतलब ये जो कोटी बनेगा n × k का बनेगा, ठीक। अच्छा इसका जो ऑर्डर बनेगा P × Y का, इसका ऑर्डर क्या बनेगा P × k का, इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा n × k का। अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए इनका कोटी जो है ये आपस में बराबर होना चाहिए, तो कोटी आपस में, तो के तो आपस में बराबर है ही, ये किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया, तो यहां पे n और p जो है ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर n और p आपस में बराबर है तो कोटियां इनके आपस में बराबर होंगे, और कोटी आपस में बराबर होंगे तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देते हैं, कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है, k = 3 n = p। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यदि n = p तो आईवी 7x - 5z की कोटी है। देखिए x की कोटी क्या है 2 × n और z की कोटी क्या है 2 × p। तो यहां पे अगर 2 × p है और इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करें, माइनस करें, तो माइनस करें या प्लस करें, कंडीशन होता है दोनों की कोटियां आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों कोटियां कब आपस में बराबर होंगी, ये कोटियां कब आपस में बराबर होंगी, जब 2 = 2 है, 2 = 2 है, तो यहां पे n = p
एन इक्वल टू पी। तो यहां पे इसकी कोटियां क्या होनी चाहिए, अगर एन इक्वल टू पी है तो इसको इसकी जो ऑर्डर है कोटी है वो लिख सकती है या तो 2 इंटू एन हो सकता है या 2 इंटू पी हो सकता है। तो इसके लिए कंडीशंस पी के टर्म्स में दे रखा है तो 2 इंटू एन दे रखा है, कहीं 2 इंटू एन दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर 2 इंटू पी दे रखा होता तो वो भी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहां पे 2 इंटू पी नहीं दे रखा, पी इंटू 2 नहीं हो सकता, 2 इंटू पी होगा इसका ऑर्डर। इज इट क्लियर नाउ? तो ये दो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली है, इसको अगर करेंगे आप तो भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट का हो जाएगा ए और सेकंड सॉरी मतलब 21 का हो जाएगा ए और 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा एक्सरसाइज, आज 3.2 फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 ऑन उसके बाद 3.4। तो ये एक्सरसाइज जल्दी ही खत्म करेंगे, जल्दी चैप्टर्स जो है हमारा अभी वाला चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशंस को करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम में हर जगह इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी प्रिपरेशंस कर सके लॉकडाउन के टाइम में। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।